हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय अवध स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। आज की जो हमारी क्लास है वो 10th क्लास का 4th लेक्चर है, और आज की क्लास में हम कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है और उसके क्या रूल्स हैं, तो वो सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर जो है हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पिछला लेक्चर था, 3rd लेक्चर, उसमें हमारे कुछ एक स्टूडेंट्स को दिक्कत आई कि जो हम कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, ये कॉनकेव मिरर था हमारा, और इसके अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और फोकस एंड पोल के बीच में रख रहे थे, तो उस इमेज की फॉर्मेशन में उनको दिक्कत आई। तो पहले हम इस डाउट को जो है देख लेंगे, कुछ एक और स्टूडेंट्स की भी होगी, इसलिए मैंने सोचा कि आज के जो लेक्चर में हम इसको स्टार्ट में देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो था ये कॉनकेव मिरर दिया हुआ था, और ये इसकी क्या थी, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। यहाँ पर इसका फोकस था, इस फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा, ये यहाँ पर रखा है। जब इस ऑब्जेक्ट के यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइट, पैरेलल रे जो थी जिसके हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इंसिडेंट की, तो यहाँ इसमें रिफ्लेक्शन के बाद फर्स्ट जो रे हमारी वो कहाँ टकराएगी, वो फोकस से होते हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इमेज, नेक्स्ट जो रे हमें चुननी थी, इंसिडेंट रे जिसको हमने इंसिडेंट करना था, वो कहाँ से निकलनी चाहिए, कहाँ से निकालें उसको, वो देखेंगे। क्योंकि ये फोकस से निकल नहीं सकती, क्योंकि पीछे जब भी ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो फर्स्ट जो थी वो डायरेक्ट जा करके मिरर से टकराती थी, सेकेंड जो होती थी हमारी रे वो हमारे फोकस से निकल करके यहाँ आकर के टकराती थी, और वो आफ्टर फोकस जो है वो पैरेलल चली जाती थी। इमेज के लिए हमें दो रे चाहिए, तो हम एज्यूम करेंगे, हाँ हम देखेंगे कि मान लेते हैं कोई सेंटर से होकर के कोई इंसिडेंट रे आ रही है, और वो हमारे मिरर पर कहाँ टकरा रही है, ऐसी एक जगह हमने चूज करनी है, ऐसी एक रे, ऐसा एक पाथ जो है हमने हमारे मिरर पर जो मेड इंसिडेंट होने के लिए जो रे को चाहिए वो चूज करके चलेंगे, सिलेक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई रे आएगी और यहाँ आकर के इस फोकस, इस जो ऑब्जेक्ट था हमारा, इसको जो मान करके वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, यहाँ ये हमारी जो पहली रे आई थी ये आई हुई है, लेकिन ये जो हमने सिलेक्ट की है ये रे यहाँ से चली है, और यहाँ से हमारे इस मिरर के ऊपर जाकर के वो जो है इंसिडेंट हुई। यहाँ से जब उसका रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये जो रे हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये कैसा पाथ फॉलो कर रही है, जो कोई रे अगर हम माने कि ऑब्जेक्ट इसके सेंटर से निकल कर के आ रही है हमारे, और वो वहाँ पर मेड इंसिडेंट होगी, तो जो रास्ता, जो पाथ वो रे फॉलो करेगी, वही रास्ता, वही पाथ जो है हमने हमारी इस सेकेंड रे को यहाँ मिरर पर पहुँचाने के लिए चुना है। उसको जब वो वहाँ रिफ्लेक्ट होगी, वहाँ से वहाँ जा करके इंसिडेंट होगी, तो वहाँ से वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, क्योंकि जाते समय उसने ऐसे रे का पाथ फॉलो किया था जो सेंटर से निकल रही थी, तो आते समय भी वो जो सेंटर से निकलने वाली रे की प्रॉपर्टी होगी हमारी, जो रिफ्लेक्शन होगा वो 180 डिग्री पर हो जाएगा, और वो वापसी इसी किसी डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी। तो ये आगे जा करके ये दोनों जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी, और बाकी जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी, वो इमेज की प्रॉपर्टी, इमेज की जो इन्फॉर्मेशन थी, करेक्टरिस्टिक थी, वो वही रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो था कि इसमें अगर हम मान लेते हैं सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को जब हमने यहाँ रखा, तो ये रे जो थी हमारी ये यहाँ से गई, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी जो रे थी ये कहाँ से निकली हमारी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये यहाँ से निकलते हुए हमारे फोकस से आते हुए आगे बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इसमें इमेज चूज करेंगे वो कैसी करेंगे, इसमें भी वही सेम काम करेंगे, हम देखेंगे कि इस जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को भी वो टच करते हुए जाए और सेंटर से निकल करके कोई इमेज आए, कोई रे आए, तो उसको हम कैसे जो मानेंगे, कैसा जो पाथ होगा उसको हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये कोई पाथ है, जब भी कोई रे
सेंटर से होकर के हमारे मिरर पर आकर के टकराएगी, तो इस पाथ को फॉलो करती हुई आए, ठीक है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट से यहाँ से जो रे निकलेगी इससे कौन सा जो पाथ चूज करवाया, हमने ये पाथ चूज करवा दिया। यहाँ से ये रे गई, वहाँ पर टकराई, तो वहाँ से आने के बाद ये कहाँ इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, वही जो हमारी सेंटर से निकलने वाली रे की जो प्रॉपर्टी होती है, जो थर्ड लॉ था हमारा, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये वहाँ टकराने के बाद वापसी सीधी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और ये यहाँ से ये कैसी प्रॉपर्टी होगी, ये यहाँ कुछ अलग डिस्टेंस है, यहाँ आने के बाद ये डिस्टेंस इन दोनों रेज के बीच बढ़ गया, तो वही बात है, ये यहाँ पर डाइवर्जिंग रेज हो जाएंगी। डाइवर्जिंग रे होने की वजह से आगे तो कहीं इमेज हमारी फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक हमारी रेज जो है रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो हमारी इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो वही चीज़ फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं बैक फॉरवर्ड, तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, बैकवर्ड की तरफ जो इसको आगे बढ़ाएंगे प्रोडक्शन जो इसका हम रेज का जो इमेज अज्यूम करेंगे कि पीछे कहाँ हमारे मिरर के पीछे कहाँ जा करके मिल सकती हैं, तो यहाँ होंगी, तो उसकी भी प्रॉपर्टी जो हमने इमेज जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी वो पढ़ ली होंगी। मेन डाउट यही आ रहा था कि सर ये रे जो थी ये यहाँ से कैसे निकली, क्योंकि ये रे सीधी आ रही थी यहाँ जा रही थी, उससे पहले वो यहाँ से निकल रही थी और जिसके फोकस से निकल रही थी, तो इस वजह से जो है हमारी ये इमेज की फॉर्मेशन होगी, ये हमारा तरीका हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर की जो लॉज थे वो देखेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो है इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। आज से पहले के जितने लेक्चर आए हैं आपके, अब अगर आपने उनको नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हमारा जो अलग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें हम कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनेगी, हाँ एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है और कैसे ये काम करता है, कैसे ये है, तो वो चीज़ देखने के लिए आपको जो पिछले लेक्चर हैं वो देखने होंगे। वो उनका जो लिंक है, उनकी जो प्लेलिस्ट आपकी 10th क्लास की, उसका जो लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, उस पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है कोई स्फीयर की शेप में, सर्कल की शेप में, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कट करना है, यहाँ से हमने मान लीजिए ये पार्ट जो है इसका वो कट कर लिया, और जो ये पीछे वाला था हमारा इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, ये हमारा रिमूव हो गया। तो यहाँ हमारा जो अंदर की जो अंदर की तरफ जो है वो क्या करेंगे, इसको इसको हमने पेंट कर दिया, ठीक है, ये पेंट कर दिया। तो अंदर क्या है हमारी, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई, ये हमारी कैसी बन गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम चलेंगे इसमें आगे देखेंगे कि क्योंकि ये कट हमने कहां से किया है, इसके पीछे स्फीयर था, तो इसमें जो हमारी मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इस पर हमने इसको रखा, तो यहाँ से हमारे पास जो है क्या निकल करके आएगा, हमारा जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ इस तरफ कहीं लाई करेगा, क्योंकि हमारा स्फीयर जो है वो इस तरफ फॉर्म हुआ था, ना कि बाहर की तरफ, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमारा स्फीयर इस तरफ आ रहा था, क्योंकि उसकी जो ये केव वाली जो जगह थी हमारी ये कैसी थी, ये रिफ्लेक्टिंग थी और ये हमारी नॉन रिफ्लेक्टिंग थी, लेकिन यहाँ क्या है हमारा सेंटर की तरफ जो है इसका अवे, इसका जो फेस है हमारे कॉन्वेक्स मिरर का वो कहाँ है, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर हमारा पीछे की तरफ आ गया। अब इसका जो हाफ होता है हमारा वो क्या है, फोकस है, ये हमारा फोकस हो गया, ये पोल जो हमारा ये सेम रहेगा, ठीक है, जहाँ पर जो हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस इससे मैच करते मीट करती है हमारे मिरर से, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फोकस और सेंटर जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो थी हमारी उस तरफ आई। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जब भी कोई रे आई, मान लीजिए ये कोई रे आई या यहाँ से कोई रे आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने की वजह से वो रे जो हम स्ट्राइक कराएंगे वो इंसिडेंट करवाएंगे, तो वो कहाँ पर होगी हमारी, वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर होगी। लेकिन जो हमारा ये मिरर है
जो मिरर है हमारा, ये क्या करता है हमारा, ये मिरर हमेशा कोई भी रे जो इस पर आकर के इंसिडेंट हुई है तो ये उसको कहाँ डाइवर्ज करता है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। उसमें क्या हो रहा था, हमारा रिफ्लेक्ट होकर के वो फोकस की तरफ, सेंटर की तरफ जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर कहाँ जाएगा, यहाँ पर ये डाइवर्ज करेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है हमारा, डाइवर्जिंग मिरर होता है, और कॉनकेव मिरर जो है हमारा वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, वो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको एक जगह इकट्ठी करने की कोशिश करता है। ये हमारा क्या करता है, बाहर से आई, आने के बाद यहाँ पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आई और टकराने के बाद वो कहाँ चली गई हमारी, बाहर की तरफ डाइवर्ज कर दी उसने। तो इसमें ऐसे में हम इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, इमेज को पाने के लिए क्या करेंगे, इन रेज को जो हमारी रिफ्लेक्शन रेज, रिफ्लेक्टिंग रेज थी, इनको बैकवर्ड जो है हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और फोकस की तरफ जो है इसको पास कराएंगे, ठीक है। जब ये बैकवर्ड इसको हम कहाँ करेंगे, इस पर हमने मान लीजिए यहाँ पर स्ट्राइक करवा दी, यहाँ पर आ गई, तो अब हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर होगी, और कहाँ होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि एक्चुअल में तो ये रेज जो हमारी डाइवर्ज हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ें जो थी, इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी थी वो थी हमारे किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर आप फोकस लिखना चाहें तो लिख लेंगे, क्या होगा हमारा, तो ये इसकी जो है मैंने लिख दी है, आप इसको भी जो है नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लेंगे। द रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जिज, एंड जो डाइवर्जेंट जो रे थी हमारी यहाँ पर, इसको जब हमने क्या किया, डाइवर्जेंट रे ऑन बीइंग प्रोड्यूसेस बैकवर्ड मीट एट फोकस पॉइंट, ठीक है, मीट एट लिख लेंगे इसको, मीट एट फोकस, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इसकी जो इमेज फॉर्मेशन के लिए लो थे, जैसे हमारे तीन लो उसके अंदर थे, वही तीन लो इसके अंदर काम करेंगे, तो वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट लो हमारा क्या कहेगा कि कोई रे पैरेलल आएगी आफ्टर डाइवर्जन, आफ्टर मेड इंसिडेंट होने के बाद, आफ्टर इंसिडेंस एट पॉइंट, वो कहाँ चली जाएगी हमारी, डाइवर्ज हो जाएगी किसी और डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इसका लो क्या कहता है, वो कहता है कि जब कोई बाहर से आई और वो फोकस के लिए आ रही है कोई रे, ठीक है, मान लीजिए ये कोई रे हमारा मिरर था और ये कोई रे आकर के यहाँ फोकस, मान लीजिए हमारा इस फोकस पर आकर के वो मीट होना चाह रही है, लेकिन वो एक्चुअल में मीट नहीं हुई, वो कहाँ से, इस पॉइंट से जो है वो डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज होकर के वो कहाँ चली जाएगी हमारी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ये इसका सेकंड रूल है, सेकंड जो इसका लो है, ये कहाँ है, ये हमारा कैसा है, ये जैसा हमारा कॉनकेव मिरर के अंदर था, कॉनकेव के अंदर जो हमने काम किया था वही काम यहाँ होगा, कि बाहर से आई फोकस के लिए जा रही है, बीच में मिरर आ गया, तो वापस रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली जाएगी, उसके पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जो है वो पैरेलल चली जाएगी। थर्ड जो है हमारा इसका वही सेम है कि जब कोई रे आई, मान लीजिए ये आई और यहाँ पर हमारा मान लेते हैं सेंटर है, वो इस तरफ आई सेंटर के लिए, मिलने के लिए, यहाँ सेंटर पर टकराने से पहले उसके सामने क्या आ गया हमारा, मिरर आ गया, तो मिरर पर टकरा करके वापसी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और कहाँ चली जाएगी हमारी, 180 डिग्री पर, जहाँ से आई थी, जिस पाथ को फॉलो करते हुए आई थी उसी पाथ को फॉलो करते हुए डाइवर्ज हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड लो था। ये तीन लो जो सेम हमने उस पिछले लेक्चर में जो है कॉनकेव के लिए पढ़े थे, वही सेम जो है हमारे कॉन्वेक्स के लिए पढ़े हैं, और इसमें फ़र्क इतना है कि इसका जो सेंटर और फोकस जो है हमारा वो चेंज हो गया है, वो हमारे बिहाइंड द मिरर हैं। तो इसमें हम एज्यूम करके लेंगे कि मान लीजिए कि कोई रे आई तो वो कहाँ जा रही है, सामने सीधा सेंटर पर, लेकिन बीच में हमारा मिरर आ गया, तो यहाँ से वो गेट रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, कितने पर, 180 डिग्री पर, ठीक है। ये इसका था, ये बाकी दो ये आपने नोट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, वो है इमेज फॉर्मेशन किसमें, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, ठीक है। कॉनकेव हमने पिछला पढ़ा था, तो इसमें हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमारी इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी। मान लेते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये यहाँ से हमारा कैसा है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये हमारा पोल है,
यहाँ पर इस तरफ जब हम आगे करते हैं तो इस तरफ मान लेते हैं ये है हमारा फोकस और ये हमारा क्या है सेंटर, ठीक है। आप इसका जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर, जो इसकी मेजरमेंट जो है वो प्रॉपर ले लेना, ताकि आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बने। ये हमारा क्या है फोकस। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट केस है वो क्या है, वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को छोड़ करके ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ से जब हम इसकी, ये मान लीजिए हमारा क्या है ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने इसके ऊपर लाइट जो है वो इंसिडेंट करवाई, ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है हमारी इमेज का जो रे थी वो कहाँ जा रही थी, वो फोकस की तरफ गई, तो फोकस की तरफ इसको भेजो, ये हमारी फोकस की तरफ चली गई, ठीक है। नेक्स्ट जो हम सेकंड, क्योंकि हमें दो जो है रेज चाहिए, रिफ्लेक्टिंग रेज दो होनी चाहिए हमारे पास, तो उसको हम देखते हैं। तो सेकंड कहाँ से निकालते थे हम, सेकंड हम कहाँ से निकालते थे, एक ये आई थी इसको हमने फोकस से निकालना था, लेकिन ये कहाँ निकल गई हमारी रिफ्लेक्शन के बाद निकल गई फोकस से। सेकंड हम कहाँ से लेते थे, फोकस से लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है फोकस से यहाँ से जब हम लेंगे तो वो कहाँ जाएगी, आगे उसका कोई रिफ्लेक्शन जो है वो हमें नहीं मिलेगा देखने को, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेंटर से रे निकालेंगे, ठीक है। सेंटर से हमने रे निकाली, तो हमारी जो इसकी सेकंड रे है, अब बात आती है उसकी कि वो सेकंड रे कहाँ से निकालें, तो हम यहाँ से सेकंड रे जो हमारी कहाँ निकालेंगे, सेंटर से निकालते हैं। मान लीजिए ये कोई रे आई इस पॉइंट से, ठीक है, और वो कहाँ जा रही है हमारी सेंटर की तरफ जा रही है, ये हमारी सेंटर की तरफ आ रही थी, लेकिन ये यहाँ आकर के टकराई और यहाँ से गेट रिफ्लेक्टेड हो गई 180 डिग्री पर, ये सीधी सेंटर की तरफ जा रही थी, सेंटर की तरफ जा रही थी, तो यहाँ से हमारे पास कहाँ जा करके ये टकराई मिरर के बिहाइंड में, ये इस पॉइंट पर जो है यहाँ पर टकराई, फोकस और पोल के बीच में कहाँ टकराई, यहाँ टकराई, ये हमारी कैसी इमेज की फॉर्मेशन होगी ए डैश बी डैश कहाँ बनी। अब बात करते हैं कि इमेज की करेक्टरिस्टिक्स देखें अगर हम, वो कहाँ बनी कैसी बनी वो चीज़ नोट करते हैं। तो हमारी इमेज जो है वो कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, पहली बात तो पोजीशन कहाँ बनी है, ये मिरर था, मिरर से पीछे कहीं बनी है, तो क्या लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, ये हमारी बिहाइंड द मिरर बनी है, तो बिहाइंड द मिरर में कहाँ बनी है, फोकस और पोल के बीच, बिटवीन फोकस एंड पोल, ये हमारी क्या आ गई फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन की पोजीशन के बारे में वो आ गई। नेक्स्ट जो हमारी इमेज रियल में जो हमारी रेज थी वो रियल में कहीं पर एक दूसरे से मीट हुई क्या, नहीं, तो ये हमारी कैसी इमेज होगी वर्चुअल, ठीक है जी। अब हमारी जो देखते हैं पोजीशन में कि इमेज ऊपर की तरफ बनी नीचे की तरफ बनी, इरेक्ट बनी या फिर कैसी बनी इन्वर्टेड बनी, तो हमारी इमेज जो है ऊपर की तरफ बनी है अपराइट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे इरेक्ट या फिर अपराइट, ये हमारी इमेज की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट जो है हमारी वो क्या है, ये इसका जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ऑब्जेक्ट का साइज और जो इमेज है इमेज का साइज वो कैसा है, इमेज का साइज बहुत छोटा है किससे, उससे ऑब्जेक्ट से, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर डिमनिश, इसको डिमनिश लिखना चाहे डिमनिश लिख देंगे या कहेंगे तो स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है हमारी स्मॉल है, तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी इमेज के बारे में करेक्टरिस्टिक्स थी, ये हमारा फर्स्ट जो था, फर्स्ट जो इसका केस था ये वो है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है,
जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखें वहाँ से पैरेलल रे जाएं तो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा केस है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट जब कहाँ है हमारा इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसके पैरेलल आएंगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के, दो रे आई, ये आ गई, ठीक है। ये दो रे आने के बाद कहाँ जाएंगी हमारी, डाइवर्ज होंगी, डाइवर्ज होने के बाद ये वैसे आएंगी कहाँ हमारी, ये फोकस की तरफ जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ होंगी हमारी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी किसी बाहर की तरफ, ये जो हमारी डाइवर्ज हो जाएंगी किसी डायरेक्शन में, ठीक है। जब इनको हम पीछे एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारी कहाँ पर मीट करेंगी, ये हमारे फोकस जो होगा उस पर आकर के मीट करेंगे, ठीक है, डाइवर्जन के बाद। तो ये डाइवर्ज होकर के बाहर चले गई, ये डाइवर्ज होकर किसी अलग डायरेक्शन में, अलग दिशा में चले गई, लेकिन हम जब इसको एक्सटेंड करते हैं इन दोनों रेज को, तो कहाँ पर आकर के मिली हमारी, फोकस था जो उस पर आकर के मिली। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे तो क्या होगी, फर्स्ट तो हमारी ये होगी, ये बिहाइंड द इमेज, बिहाइंड द मिरर जो है इमेज फॉर्मेशन होगी एट एफ, फोकस के ऊपर बिहाइंड द मिरर जो हमारी इमेज बनेगी। नेक्स्ट जो हमारी है कि वो इमेज कैसी होगी, क्योंकि हमारा क्या है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज दे रहा है हमें, वर्चुअल इमेज देगा, क्योंकि ये कहाँ मिल रही है, एक्चुअल में थोड़ी मीट हो रही है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि वर्चुअल होगा। जब इमेज वर्चुअल है तो हमारे पास कैसी आएगी, इरेक्ट आएगी, ठीक है। जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो हमारे पास कैसी आएगी, वो इरेक्ट आएगी, ऊपर की तरफ जो है उसकी इमेज जो हमें सीधी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, वो है इसका साइज, साइज कैसा है इसका, पॉइंट साइज, ठीक है। ये कैसी होगी हमारी, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है वहां से अगर हम देखते हैं तो ये कितना है हमारा, बिल्कुल पॉइंट बना है, तो इस चीज को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज इसका साइज होगा। इरेक्ट की बात अगर हम करते हैं, इरेक्ट की बात अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ये, इसको जो हम चेक करेंगे, इसको हम जब जूम करके देखेंगे उस इमेज को नोट करेंगे तो इमेज कैसी आएगी, इरेक्ट आएगी। वहीं अगर हम एक अंदाजे की और उसकी बात करें, जब भी हमारी इमेज इन्वर्टेड बन रही थी तो हमारी इमेज क्या थी, वहाँ पर रियल थी। तो ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी, ये चीज़ हमने कॉनकेव मिरर में देखी, जब जब इमेज रियल बन रही थी तब तब हमारी इमेज जो है वो कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, ठीक है। जब हमारी इमेज वर्चुअल बनी, क्योंकि कॉनकेव मिरर में भी ऐसे दो केस हमने, एक केस जो हमने वो पढ़ा था, अभी पढ़ा आज की इस लेक्चर में, तो वो क्या था कि हमारी जो इमेज थी वो कहाँ बन रही थी, वो हमारी इमेज जो है पीछे बिहाइंड द मिरर बनी थी, वो इमेज बिहाइंड द मिरर बनी, वो वर्चुअल बनी, वर्चुअल बनते ही वो इमेज कैसी आई हमारी, इरेक्ट आई थी। तो ये चीज़ वहाँ से भी क्लियर हो रही है। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की जो इमेज की बात करें, इसकी प्रॉपर्टी देखें तो क्या है, एक तो इसकी इमेज जो है ये हमें छोटी इमेज देता है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, छोटी भी पढ़ी और बड़ी भी पढ़ी, जब उसमें कॉनकेव में देखा था तो उसमें जो पैरेलल आई थी बहुत इन्फिनिटी से चल करके, तो हमारे फोकस पर एक छोटी इमेज बनाई थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमेशा छोटी इमेज बनाएगी। बाद इसकी बात करें, अगर हम आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लें, इन्फिनिटी पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगी इमेज, और इन्फिनिटी से आगे पीछे कहीं भी रखेंगे, आप आगे रखते जाएंगे किसी फिक्स्ड पोजीशन पर रखेंगे तो हमारी इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो फोकस और पोल के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगी, इस एरिया से बाहर कहीं इमेज नहीं बनेगी। ये जो प्रॉपर्टीज़ थी, ये जो बातें हैं हमारे, इसके बारे में, किसके बारे में, जब हमारा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो ये दो बातें हमारी कॉन्वेक्स मिरर से जुड़ी हुई, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।